हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सबका देखा स्वागत है। तो हमारे सामने जसप्रीत बुमराह आ चुके हैं पाकिस्तान के सामने और एक ओवर लेके। देखते हैं क्या करते हैं। पहली गेंद बढ़िया यॉर्कर डालने वाला हूँ और जैसे ही यॉर्कर डालते हैं मतलब सामने वाले की गिल्लियाँ उखड़ के बाहर निकल जाती है। बाबर अजम को पहली गेंद पर रवाना कर दिया है अपने वतन। जी हाँ फ्रेंड्स, पहली विकेट मिल चुकी है और पाकिस्तान 0-4 है। अभी देखते हैं कौन कौन सा बल्लेबाज आता है। अभी अहमद, देखते हैं ये क्या कर सकता है। तो अहमद आ चुका है क्रीज के ऊपर। तो बुमराह हमारा सोच रहा है क्या गेंदबाजी करे। तो अभी ये डालने वाला है स्लोअर वन, तो ये भी आगे की लाइन ही है। देखते हैं अहमद क्या कर सकता है। तो ये चली बुमराह की गड्डी और ये बड़ा स्टोक नीचे फील्डर और आसानी से कैच, नहीं आसानी से, थोड़ा हार्ड कैच था लेकिन कोई बात नहीं। इंडिया की फील्डिंग बहुत टाइट है, शुभमन गिल कभी कैच छोड़ते ही नहीं है। हमारा दूसरा विकेट बुमराह का और पाकिस्तान का पंजा निकल चुका है, मतलब आधी टीम 0 रन पे ऑल आउट हो चुकी है। तीसरा बल्लेबाज इस ओवर का शादाब खान, जो ये बढ़िया बल्लेबाज है, ये मुझे नहीं लगता इसे आउट होगा। देखते हैं जसप्रीत बुमराह ने हैट्रिक है, क्या हैट्रिक ले पाएगी। ये इन स्विंग हुई, अंपायर का डिसीजन आउट और जो यहाँ जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के सामने हैट्रिक ले ली है। शादाब खान भी 1-0 पे चले गए हैं। तो फ्रेंड्स, हैट्रिक क्या बढ़िया निकाली। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।